आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, क्योंकि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। हर कोई पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके किए गए कार्यों, उनके व्यक्तित्व और उनके फैसलों के साथ उनकी बातों को, उनके उन शानदार संबोधनों को भी आज हर कोई याद कर रहा है। सदैव अटल पहुंचकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी सदैव अटल पर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये तस्वीरें देखिए। उनका सहचर था, उनका कहना था हम राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक त्याग करें। विवेक के धनी, हर मुसीबत पर पार पाने वाले, सुशासन के प्रणेता, मन के अटल, उम्मीदों के कवि, श्रद्धेय अटल जी हम सबको प्रेरणा देते थे। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हो, दृढ़ विश्वास मन में हो, हाथ से हाथ मिले हों, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो, निश्चित ही विजय हमारी होगी। आइए एक बार फिर से स्वरांजलि अर्पित करते हैं श्रद्धेय अटल जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय अटल जी के निधन पर कहा था, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से एक युग का अंत हो गया। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। श्रद्धेय अटल जी प्रचंड राष्ट्रभक्ति और अभूतपूर्व साहस का साक्षात रूप थे। वरदायिनी हंसवाहिनी माँ शारदा के वरद पुत्र, संवेदनशील कवि, विचारवान लेखक, जागरूक पत्रकार, कुशल, ओजस्वी और प्रभावी वक्ता श्रद्धेय अटल जी, शब्दों का चयन और उनका सधा हुआ तथा प्रभावी प्रयोग, उपमाओं, मुहावरों, सूक्तियों के नग, किसी भी दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करने का कौशल, हास्य के बीच उनकी विशिष्ट व्यंग शैली बहुत अद्भुत थी। श्रद्धेय अटल जी हिंदी भारती के उपासक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 बार हिंदी में उनके भाषण उनकी इस उपासना के ज्वलंत उदाहरण हैं। भावपूर्ण कविताओं, विचार प्रधान गद्य ग्रंथों तथा दैनिक साप्ताहिक पत्रों के संपादन द्वारा वीणा वादिनी के चरणों में उन्होंने अनेक सुगंधित पुष्प भेंट किए। माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है। श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रद्धेय अटल जी सच्चे समर्पित समाज सेवक थे, भारत माता के सच्चे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल से तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं सदैव अटल पर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल उनके स्मृति स्थल पर पहुंचे हैं। अटल जी की समाधि सदैव अटल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, 5वीं पुण्यतिथि, 5 साल देश उनके बिना। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र जब जब होता है, उनके लिए हमेशा कहा जाता है कि जिस
तरह का व्यक्तित्व उनका रहा। उसका रक्षक चला गया। एक प्रखर वक्ता, पत्रकार, कवि और सभी रूपों में उन्होंने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवाएं दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति भी पहुंचे सदैव अटल पर। ये देखिए तस्वीरें, राष्ट्रपति भी पहुंची हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंची हैं। ये देखिए तस्वीरें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी वहां पर मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यादों में सदैव अटल, पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, नमाखे लिए हुए सब। और देखिए, खासियत उनके व्यक्तित्व की हमेशा से ये रही कि विचारधारा से ऊपर उठकर लोगों के खास वो बने। आज भी हालांकि 5 साल उन्हें गए हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को उनके आज उन शानदार संबोधनों की याद अचानक से आ ही जाती है। जब जब जिंदगी में मुश्किल दौर आते हैं, लोग काफी सर्च करते हैं यूट्यूब पे उनके उन वीडियोस को, जिसमें उन्होंने सदन के अंदर बड़ी बुलंद आवाज में अपनी बातें, अपनी कविताएं पढ़ी। और आज उन कविताओं के जरिए ना जाने कितने सारे नौजवान ऐसे हैं जो प्रेरणा लिया करते हैं। उस समय भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अटल जी किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से कम नहीं थे। उनकी कही गई चंद लाइनें भी एक बार फिर से जिंदगी में उतना ही उत्साह भरने के लिए काफी थी। यादों में सदैव अटल, पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। और ये देखिए तस्वीरें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदैव अटल पर पहुंची, आगे बढ़ रही हैं। साथ साथ सभी बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देखिए उनके पीछे, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित की सदैव अटल पर। आंख भरी हुई सभी की, लेकिन मस्तक झुकाकर, शीश नवाकर अटल जी को आज समूचा देश याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके पश्चात अब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके बाद यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शानदार राजनीतिक सफर, प्रखर वक्ता, बेहद शानदार पत्रकार, एक जिस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी, तो कवि के तौर पर भी उनकी एक विशिष्ट पहचान रही। ऐसे वाकई में जो ऐसी विरले शख्सियत होते हैं वो सदी में एक बार ही होते हैं। और अटल जी के लिए कहा जाता है कि जब राजनीतिक जिंदगी की शुरुआत उन्होंने की थी, तब से ही ऐसी उनकी पकड़ राजनीति पर रही, ऐसे उनके संबोधन रहे कि आज भी, आज के परिदृश्य को देखते हुए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अटल जी से सीखने की जरूरत है। उस समय जब सदन की मर्यादा होती थी, उस सदन की मर्यादा को अपनाने की जरूरत है। लोकतंत्र की जननी भारत को कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र की जननी भारत तब ही बनेगा जब उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे नेतृत्व वाले लोग होंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की सदैव अटल पर। और उसके पश्चात अब सभी आगे बढ़ते हुए यादों में सदैव अटल है, पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके पश्चात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्रमशः फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं। सभी बारी बारी से पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अमित शाह भी पहुंचे और उसके बाद पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन।